सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों की आपूर्ति के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राइवेट लैब्स को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों पर लाखों टेस्ट किए गए। इस मामले की सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। विजिलेंस की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी। अब दिल्ली के LG वी के सक्सेना ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल कार्यालय ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि औचक निरीक्षण में पाया गया कि किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। वो पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से अपना अटेंडेंस दर्ज करवा रहे थे। अनुभवहीन स्टाफ मरीजों को दवा और टेस्ट लिख रहे थे। लाखों फर्जी टेस्ट के बदले प्राइवेट लैब्स को भुगतान किया गया। मरीजों की एंट्री दिखाने के लिए फर्जी और गैर मौजूद मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया। इसमें कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है। उपरोक्त आरोपों के आधार पर LGV के सक्सेना ने मामले में CBI इंक्वायरी की सिफारिश की है। इससे पहले LG ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में गैर मानकों दवाइयों की खरीद और आपूर्ति की CBI जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार कई मरीजों की शिकायत के बाद इहबास, LLJP और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से दवाइयों के सैंपल एकत्र किए गए हैं। लैब टेस्ट में कई दवाइयों के सैंपल मानक पर खरे नहीं उतरे थे। इसके अलावा दिल्ली 223 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में वन और वन जीव विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की अनुमति LG ने दी है। वीके सक्सेना ने 60,000 रुपए की रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत 2 वरिष्ठ नर्सों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को जांच शुरू करने के लिए भी मंजूरी दे दी है।